الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله नूरल प्यारे बच्चों और क्रिस मदनी चैनल के नाज़न एक बार फिर आपको हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम के अंदर खुश आमदी कहते हैं मरहबा कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत प्यारी प्यारी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें आपसे शेयर भी करते हैं इन भी हम अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के बारे में प्यारी प्यारी बातें आपको बताएंगे और यहाँ जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं इन वो भी सीखेंगे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सरत आपको बयान की जाएगी तो आइए मैं आपको प्रोग्राम के शुरू के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी फजीलत भी सुनाता हूँ अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दिन भर में एक हज़ार बार दुरूद पाक पढ़ता होगा यानी वन टाइम वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले और प्यारे बच्चों दरूद पाक ऐसा वजीफा है कि इसके जरिए मदीने की हाजिरियाँ नसीब होती हैं फरमाते हैं कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शौक हो तो वो भी दरूद पाक की कसरत करे इन एक दिन उसकी भी किस्मत जाग जाएगी सलो हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नात की जिंदगी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं

अलही रहमा का बहुत ही प्यारा कलाम लाए हैं अहमद मुसफ़ा भाई तो आइए सुनते हैं इनके जबानी नाते मुसफ़ा वसल्लम we hey, hey, on

Allah, माशा अल्लाह सब बच्चों मिलके क्या कहेंगे अल्लाह की रजा के लिए बुलंद आवाज से बुलंदे माशा अल्लाह अहमद मुस्तफ़ा भाई जजाक अल्लाह खैरा आपने इतना प्यारा कलाम सुनाया इतनी अच्छी आवाज में सुनाया अल्लाह आपको खूब बरकते अता फरमाए आपकी आवाज़ में और बरकते अता फरमाए प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाजरीन बहुत ही प्यारा कलाम हमारे अहमद भाई ने हमें सुनाया और प्यारे बच्चे उसमें हम क्या पढ़ रहे थे बीच में एक और एक तो कलाम था और कलाम के दौरान क्या पढ़ा जा रहा था दुरूद पाक और वो क्या पढ़ा जा रहा था अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों प्यारे 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 चिना के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट के जानी जिस सेगमेंट के अंदर प्यारे बच्चों इस सेगमेंट में होता क्या है इनशाला आपको अर्ज करूंगा और इस सेगमेंट का नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ आज जो हम बातें आपसे शेयर करेंगे आपको बयान करेंगे वो ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी जान हैं प्यारी प्यारी अम्मी जान बीबी आमना रदी अल्लाह अनहा उनका नाम क्या था बीवी हजरत बीबी आमना, आमना, आमना रदी अल्लाह अनहा और आपके जो प्यारे प्यारे अबू जान हैं उनका नाम क्या है हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन हो और आपके जो दादा जान हैं हज़रत अब्दुलमलब रदी अल्लाह अन हो जब आपकी अम्मी जान का इंतकाल हुआ जब आपके अबू जान का इंतकाल हुआ जब आपके दादा जान अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक उम्र थी वो कितनी थी आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको ये बातें बयान करूँगा जब हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का इंतकाल हुआ था हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अनहों का उस वक्त तक हमारे प्यारे आका आकाश सल सल्लासम दुनिया तशरीफ़ लेकर नहीं आए थे बल्कि आप अपनी अम्मी जान के पेट में थे और आपके अबू जान का इंतकाल हो गया था और जिस वक्त हमारे प्यारे आक सल्ला वसम की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाहा का इंतकाल हुआ आपकी वफात हुई उस वक्त हमारे प्यारे आकाश वसल्लम की जो मुबारक उम्र थी वो सिर्फ़ छः साल थी यानी अब्बू जान का इंतकाल तो आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया और अम्मी जान का इंतकाल भी बहुत ही एक कम उम्र में हो गया क्या उम्र थी उस वक्त आपकी छः साल और उसके बाद यानी छः साल से लेकर दो साल तक यानी आठ साल तक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्र जब आठ साल की हुई तो ये आठ साल तक की जो परवरिश की शादत पाई वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने पाई यानी उन्होंने हमारे प्यारे आका की परवरिश की लेकिन जब आपकी उम्र आठ साल हुई ना प्यारे बच्चों तो आपके ये दादा जानते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह उन्होंने जो आपका बहुत ख्याल भी रखते थे आपकी परवरिश भी करते थे उनका भी आठ साल की उम्र में यानी हमारे प्यारे आका की उम्र जब आठ साल की हुई तो उस वक्त उनका भी इंतकाल हो गया लेकिन इनके जो मज़ारात हैं वो कहाँ पर हैं यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बू जान हैं इनका मज़ार कहाँ है तो प्यारे बच्चों किस मदनी चैन के नाजरीन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बू जान हैं हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह इनका मजार शरीफ मदीना शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हैं और प्यारे बच्चों आप वसल्लम की जो अम्मी जान है हजरत बीबी आमिना रदी अनहा इनका जो मजार शरीफ है बहुत ही मुकद्दस मजार है बहुत ही फजीलत वाला मज़ार है बहुत ही रूहानी मज़ार है प्यारे बच्चों ये मज़ार एक जगह है जिसका नाम है अबवा और ये जो जगह है ये मक्के और मदीने के दरमियान में है प्यारे बच्चों और किर्स मदीनी चने के नाजरन तो आज मैंने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान आपके अब्बू जान और आपके दादा जान रदी अल्लाहम के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक उम्र थी उसके बारे में मैंने आपसे कई बातें शेयर की हैं अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तोफ़ी कदा फरमाएं तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने एक और सेगमेंट की जानब जिसका नाम है हल सिर्फ एक है की जिंदगी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट के अंदर सुफियान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और प्यारे बच्चों जो यहाँ मौजूद हैं सफियान भाई हमें कुछ बातें बयान करेंगे और वो बातें क्या होंगी किस टॉपिक पर होंगी तो ये बताएंगे सफियान भाई अस्सलाम अमैकम वाला वर्का वालेकुम अल्लाम वरहत ला वरक़ सफियान भाई आज ये क्या टॉपिक लेकर आएँ आप आज ये टॉपिक है मेरे बयान का कि अपना काम किसी और से करवाते हैं अच्छा अपना काम किसी और से करवाना ये अच्छी बात है या नहीं ये तो पता लगेगा सफियान भाई के बयान के जरिए जी सफियान भाई बयान करें الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله अल्लाह पाक के आखिरी नबी और हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है ल्लूब सल्ल प्यारे बच्चों और मदीनी चैनल के नाजरीन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पर्सनल काम भी किसी और से करवाने के आदि होते हैं खुद काम करने में सुस्ती करते हैं प्यारे बच्चों ऐसा करना अच्छी बात नहीं है अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहि वसल्लम भी अपना काम अपने मुबारक हाथों से फरमा लिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के सहबा कराम अल उमिदवान भी अपना काम खुद करने में शर्म नहीं करते थे आए इस हवाले से मैं आपको एक वाक़ सुनाता हूँ जन्नती सहाबी मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत ऊस्मान गनी अन्हों एक मरतबा अपने बाग में से लकड़ियाँ उठा कर ला रहे थे हालाँकि कई गुलाम भी मौजूद थे किसी ने आप रदी से अर्ज की आपने ये लकड़ियाँ उठाई हुई हैं अपने गुलाम से क्यों नहीं उठवाई हजरत गनी रदी ताला ने फरमाया गुलाम से उठवा तो सकता था लेकिन मैं अपने आप को आजमा रहा था यानी चेक कर रहा था कि मैं अल्लाह पाक को खुश करने के लिए इस काम करने को पसंद करता हूँ या नहीं तो प्यारे बच्चों और किस मतनी चैनल के नाजरीन इस वाक्य से हमें ये सीखने को मिला कि हमें भी अपने काम अपने हाथ से करने की आदत बना लेनी चाहिए इन हमारी इस आदत से हमारे घर वाले भी खुश होंगे और मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना नेकी का काम है अल्लाह पाक से दुआ है हमें अपना काम खुद करने की तोफीक अता फरमाए आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों इस माशाल्लाह हमारे सुफियान भाई ने जो हमें एक वाक्य भी सुनाया और जो बात हमें बयान की वो क्या है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए सुफियान भाई अल्लाह आपको बरकते अता फ़रमाएं प्यारे बच्चे और करस मद्दीन सिने के नाजरीन आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानब जिसमें हम क्या करते हैं इन शह भी आपको बताएंगे और इस सेगमेंट का नाम है एक जुमला एक जवाब प्यारे बच्चों और किस मदनी चना के नाजरीन इस सेगमेंट के अंदर भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपकी सीरत के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं मगर इसका अंदाज़ कुछ डिफरेंट है कुछ अलग है वो ये है कि इसका फॉर्मेट इस सेगमेंट का ये है कि बच्चों हमारे साथ जो यहाँ मौजूद हैं वो भी ये सुन लें कि आपके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है देखें सब नज़र आ रहा है आप लोगों को सही है इस बोर्ड पर देखें कुछ अल्फाज भी लिखे हुए हैं अच्छा ये अल्फाज अभी अलग अलग हैं यानी ये पूरे पूरे जुमले नहीं बने हुए आपको करना ये है कि मैं यहाँ से भी ये बच्चे को बुलाऊंगा और यहाँ से भी किसी को बुलाऊंगा तो जिसको हम बुलाएंगे वो यहाँ आकर इस दो जो रेड लाइन है देखिए नज़र आ रही है आप लोगों को ठीक है इस रेड लाइन के दरमियान में इन जुमलों को इन अल्फाजों को लेकर आएंगे और मुकम्मल एक जुमला बनाना होगा यानी अल्फाजों को आपको जोड़ना है जैसे कि अल्लाह पाक एक है ये जुमला मुकम्मल हो गया अल्लाह पाक एक है तो आपको इन अल्फाजों को जोड़ना है और जुमला बनाना है लेकिन एक मखसूस टाइम के अंदर आपको हम एक काउंट डाउन देंगे अगर आपने उस वक्त के अंदर जुमला बना लिया तो आप अपना गोल अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और अगर नहीं कर पाए तो हम किसी और को मौका देंगे तो प्यारे बच्चे और क्रिस मदेश के नाजरीन आइए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट और हम बुलाते हैं पहले यहाँ से किसी एक को कौन आएगा आप में से हम्म चले आप आ जाए चलें अच्छा देखिए प्यारे बच्चों आपको जो इसको मूव करना है वो यहाँ से करना है ठीक है यहाँ लगा के करना है ताकि आप आराम से जुमला बना सकें आपका टाइम शुरू होता है अब प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाजरीन देखते हैं कि साइम भाई जुमला दुरुस्त कर पाते हैं या नहीं तो आपकी टीम से आए हैं साइम भाई और देखते हैं कि आपको नंबर दिला पाते हैं या नहीं प्यारे बच्चों और किस मदनी चैनल के नाजरीन आप भी इन अल्फाज पर गौर कीजिए कि इन अल्फाजों से क्या क्या जुमले बन सकते हैं तो काउंट डाउन शुरू करते हैं टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू और वन साइम भाई अपने टाइम पे जुमला मुकम्मल नहीं कर पाए चलें कोई बात नहीं हम किसी और को मौका देते हैं आइए आप तश्रीफ़ तो रखिए चलें अब यहाँ से कोई एक आएगा देखिए जल्दी करना है ताकि आप अपने टाइम के अंदर जुमला मुकम्मल कर पाए तो कौन आएगा यहाँ से आप में से hmm, कोई भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएंगे भाई जो पहले बच्चे आते थे तो काफ़ी माशाल्लाह आगे बढ़ने के चांस होते थे उनका तो जी कोई बात नहीं चलें आप आएँगे चलें अच्छा आपका नाम जयान जयान भाई चलो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ से आए जयान भाई आपका टाइम शुरू होता है अब और देखते हैं कि जयान भाई अपना जुमला मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें एक लफ्ज़ तो मुकम्मल हुआ अब देखते हैं कि अगला लफ्ज़ क्या लगाते हैं हमारे जयान भाई जी आप वसल्लम ने मुकम्मल जुमला नहीं है अभी तक जयान भाई सोचें कि क्या जुमला दुरुस्त हो सकता है चले मैं आपकी कुछ हेल्प भी कर देता हूं जयान भाई आपको जुमला बनाना है आप अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया आपको देखना है कि अब ये लफ्ज़ कहाँ है आप अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया जी आप पर कुरान पाक उतारा गया जी जल्दी करें टाइम कम है हमारे पास चले काउंटडाउन शुरू करते हैं टेन नाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया सेवन सिक्स फाइव फोर जल्दी करें शाबाश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया फोर थ्री टू माशा लगता है कि जुमला मुकमल होने वाला है और जयान भाई ने जुमला मुकमल कर लिया है लेकिन एक गलती ये हुई है कि हमने कहा था कि रेड लाइन के दरमियान बनाना है आपने रेड लाइन से ऊपर बना लिया है चले कोई बात नहीं आपका जुमला हम दुरुस्त मान लेते हैं माइक पे पढ़ के बताएँ कि आपने क्या बनाया है जी आप वसल्लम पर कुरान पाक उतारा गया आप आ पर कुरान पाक उतारा गया जुमला दुरुस्त बना लिया है प्यारे बच्चों, और किर्स मदी चले के नाजरीन अब बुलाते हैं यहाँ से हम किसी एक बच्चे को और देखते हैं कि वो जुमला मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं जी कौन आएगा आप में से हम्म आप आ जाए पीछे वाले जी आपका नाम नाइक बताएं मोहम्मद यासिर मोहम्मद यासिर भाई हैं जी चले यासिर भाई माई क्या रखते हैं और आपको समझ में आ गया कि अल्फाज किस तरह जोड़ने हैं आपको ये जो रेड लाइन है इसके बीच में आपको जुमला मुकम्मल करना है और जुमला मुकम्मल करना है चलें अब आपका टाइम शुरू होता है अब जी प्यारे बच्चों देखें कि यासिर भाई जुमला मुकम्मल कर पाते हैं या नहीं प्यारे बच्चों और किस मदरी चैनल के नाजरन जो हमें मदरी चैनल पर देख रहे हैं आप भी देखें कि यासिर भाई जुमला कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं यासिर भाई इनका नाम भी यासिर है आसानी पैदा करने वाले जी अरे वाह माशा लगता है कि यासर भाई ने काउंट शुरू होने से पहले ही जुमला मुकम्मल कर लिया है तो चलें माइक पर पढ़ के बताएँ कि आपने क्या जुमला बनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला जुमला दुरुस्त बना लिया है माशाल्लाह, जजाक अल्लाह यासिफाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने जुमला दुरुस्त बनाया है और प्यारे बच्चों और किस मे के नाजरीन ये जो जुमला है इस जुमले के अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत के बारे में एक बहुत ही प्यारी बात हमें सिखाई गई है कि प्यारे बच्चों कि हमारे प्यारे आकाश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं, नहीं बोला।, बोला तो हमें भी कभी भी झूठ अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते।, नहीं बोलते चले माशा यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब यहाँ से हम किसी एक को बुलाते हैं और देखते हैं कि वो जुमला मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं चले आप आएंगे माशा आपका नामाद हमाद भाई माशा चले हमाद भाई माइक दें मुझे चले इनको दे दें भाई आपका टाइम शुरू होता है अब और देखते हैं कि हम्माद भाई जुमला कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं प्यारे बच्चों आप भी जो मदनी चैनल पे हमें देख रहे हैं अगर आप भी कोई जुमला बना पाए हैं अभी तक तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है और अभी तक कोई जुमला आपने नहीं सोचा है तो आप भी सोचिए कि इन अल्फाजों से क्या क्या जुमले बन सकते हैं और मैं आपकी एक हेल्प ये कर देता हूँ कि इन अल्फाजों से नबी पाक अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में ही जुमले बनेंगे तो देखते हैं कि हम भाई जुमला कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं आओ बच्चों मिल के काउंट डाउन शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और एट टेन जी हमाद भाई जुमला कंप्लीट नहीं कर पाए आपके सर में कोई जुमला था क्या जो यहाँ तलाश कर रहे थे आप नहीं तो हमाद भाई जुमला कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं हमाद भाई तो एक सिकने सिखाने का अमल है तो हमाद भाई जुमला कंप्लीट नहीं कर पाए आइए तो शुरू की हम भाई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन इस सेगमेंट के अंदर भी हमने इन बच्चों के ज़रिए बहुत प्यारे प्यारे जुमले सीखे हैं वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी तब फ़रमाए आमीन बिजाही व आलिहि वसल्लम सल्लु सलूल हबीब सल्लल्लाहु सल अला तहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम